विराट सर, सही ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरी गया हो। ये क्या दांत फाड़े हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना? ओह, ये मत सोचिएगा कि मैं खुश होंगी कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से आप बाहर कभी बेंच पर और कभी यहाँ मेरे पास बैठे हैं। ना ना, मैं जानता हूँ सही कि तुम खुश नहीं हो, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसीलिए तुम चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। हाँ हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं, है ना? आपको तो सब कुछ पता होता है। क्यों ये मत सोचिएगा कि अब मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं, ये सोचा था आपने? अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो फिर आपको डांटूंगी कैसे? और फिर मेरे अंदर जो इतना सारा गुस्सा स्टॉक हो गया वो निकालूंगी कैसे? मैं यहाँ आपको झाड़ लगा रही हूँ और आप है कि खी-खी कर रहे। एक तो आपने मुझे कमरे में बंद किया, मुझसे फालतू का झगड़ा किया, और फिर जब मैंने आपका ट्रांसफर कैंसिल करवाया तो जीवा शिवा की जोड़ी फिर से एक हो गई। उसका क्रेडिट तो आपने मुझे ठेंगा दिया, ऊपर से मुझ पर वोल्केनो बन के बरस पड़े, और अब तुम मुझ पर फूट रही हो। सही, तुम्हारे इस रौद्र रूप को देखने के लिए मैं कितनी बेसब्री से वेट कर रहा था तुम्हें नहीं पता है। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा था। सही, अच्छा आवाज सुनने का वेट कर रहे थे? क्यों, वैसे तो जब आवाज सुनती हो तब मुझ पर भड़क पड़ते हो, फिर आज ऐसे मीठे मीठे पूरन पोली जैसे अल्फाज कैसे निकल रहे हैं आपके मुंह से? झूठे कहीं के। क्योंकि मुझे समझ आ गया सही कि किसी के दूर जाने से उसकी अहमियत का एहसास होता है। सही, पुलकित से बात करने के बाद मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था कि कहीं तुम्हारी आवाज कभी आई ही नहीं तो तुम कभी बोल ही नहीं पाई तो। देखा झूठे, आप तो बल्कि खुश हो रहे होगे कि अच्छा हुआ सई की आवाज हमेशा के लिए चली गई, बोलती बंद हो गई सई की। अब इसकी रोज रोज की चपड़ 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 से मुझे मुक्ति मिली, अब मैं शांति की जिंदगी जीऊंगा, है ना? खुल गई सई जोशी की तानों की दुकान। लेकिन सच कहूं आज तुम्हारे ताने भी मुझे फूल लग रहे हैं। तुम्हें बोलता हुआ देख मैं बहुत खुश हूं। अच्छा बताओ आगे क्या करना चाहती हो? अरे क्या हुआ सही? कुछ बोलो सही, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। पुलकित कल साइकियाट्रिस्ट को लेकर आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी बोलना शुरू कर दो। सही, आप कैसा फील कर रही हो? यू लुकिंग मच बेटर। बाय द वे इनसे मिलो, ये है डॉक्टर अंजलि, मेरी बहुत पुरानी कॉलीग है। डॉक्टर अंजलि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट इन आवर कंट्री। ओह डॉक्टर अंजलि, गुड मॉर्निंग। हेलो, प्लीज आइए बैठिए। सही, तुम डॉक्टर अंजलि से खुल के बात करना, जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना। क्या लग रहा है तुम्हें, कैसा महसूस कर रही हो तुम, सब कुछ।
पुलकित और मैं बाहर ही वेट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सही, जो भी तुम्हारे दिल में हो तुम डॉक्टर अंजलि से खुलकर बात कर सकती हो, मैं और विराट बाहर इंतजार करेंगे। चलो विराट। इट्स ओके विराट, इट्स ऑल राइट। अगर सही चाहती है कि आप यहीं रुके तो आप यहीं रुक जाइए। डॉक्टर पुलकित, वेल एक्चुअली सही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुमने एक अनजान बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी हैं। यू डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम बोल नहीं रही हो और मैं यहां उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आई हूं। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी ना बोलने की वजह क्या है? क्या बात है सही, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? इतने दिन हो गए सही, तुमने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला है। ओके सही, मुझे एक बात बताओ, हम जो भी बोल रहे हैं तुम उसे सुन सकती हो ना? That's good, very good. अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा बात करने का मन क्यों नहीं कर रहा? मैं जानती हूँ पिछले कुछ समय से तुमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। सबसे पहले तुम्हारे फादर की डेथ का सदमा लगा, फिर तुम्हारी शादी और फिर तुम्हारी फैमिली में अनबन। रियली सही, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, इसलिए तुम जो भी कहना चाहती हो मुझसे कह सकती हो। कुछ मत छुपाओ, सब कह डालो, मैं सब सुनना चाहती हूँ। सही, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट अपने जज्बातों को अपने दिल में ऐसे छुपा के रखना, उसे कैद करके रखना, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो तुम्हारे दिल के जो भी फीलिंग्स हैं आंसुओं के जरिए बहा दो। सही, तुम मुझसे जो कहना चाहती हो कह सकती हो, एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त समझकर या फिर अपनी बहन या राजदार समझकर, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई झिझक मत करो तुम, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहां तो तुम्हें जज करने वाला भी कोई नहीं है। अगर तुम बोलना नहीं चाहती ना तो फिर एक मिनट इस पे लिख दो, जो भी तुम्हारे मन में पहला वर्ड आए ना इस पे लिख के हमारी बातचीत की शुरुआत कर सकती हो। सही, कम ऑन, कोशिश तो करो। दैट्स गुड।